गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी में हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। स्टूडेंट, दो पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं बोर्ड के, काफ़ी नर्वस होंगे। 14 मार्च को आपका बायो का पेपर है। स्टूडेंट, बायो एक आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, बट फिर भी बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या रणनीति हम बनाएं? स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, देन यू मस्ट मैनेज योर टाइम। आज हम वही चीज़ लेके आपके सामने आए। जैसा कि आपको मालूम है, बायोलॉजी 70 मार्क्स का पेपर है, 30 ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स लग चुके हैं, जा चुके हैं सीबीएसई बोर्ड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 होते हैं एमसीक्यूज। पहली बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 1 वर्ड क्वेश्चन हुआ करते थे या फिर लिखने वाले आया करते थे, इस बार एमसीक्यू है। तो आसान है, एमसीक्यू है, टाइम टेकन ज़्यादा होगा नहीं। तो आपको क्या है, क्या लग रहा है कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, उसके ऊपर कितनी टाइम हमें कंज्यूम करने चाहिए? एक अच्छे स्टूडेंट के नाते 5 मिनट हमें देने हैं, उनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मिनट तो रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर है वो 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और वैसे भी स्टूडेंट, आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर, आंसर शीट दोनों मिल जाते हैं। लिखने का काम हम 10:30 से स्टार्ट करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस जब पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं 10:15 में, तो उस 15 मिनट में वो क्या करेंगे, वो इनको टिक आउट कर लेंगे, टिक मार्क्स अपना लगा लेंगे क्वेश्चन पेपर पे। ऑलरेडी बनाना बाद में है, आंसर शीट में बाद में आप लिखोगे, बट ये कर लोगे तो क्या होगा, आपका 5 मिनट का जो समय है वो आपका सेव हो गया, बच गया। वैसे अगर चलो आप उसको इग्नोर भी कर देते हो ना, फिर भी आप 10:30 से भी अगर पेपर बनाओगे, ठीक है, फिर भी आपका 5 मिनट से ज़्यादा टाइम आप मत दो, वैसे आप पहले ही बना सकते हो एज यू विश। फिर मूव ऑन करोगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक होते हैं, जैसा आपको मालूम है 2 नंबर के क्वेश्चन है। स्टूडेंट, आप क्या सोचते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना समय देना चाहिए? 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 मिनट का टाइम ही देना है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो 7 क्वेश्चन है, 7 × 4 = 28 मिनट्स, 28 मिनट में सेक्शन बी को शट डाउन कर देना है बिल्कुल कम्प्लीटली। चलो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको इस 7 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन फंस रहे होंगे, आ नहीं रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो चलो ये 28 की जगह आप 35 मिनट्स तक मैक्सिमम, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रिवीजन टाइम है 30 मिनट्स। जब हम टोटल पे आएंगे ना, तो हमारे पास 1/2 आवर का टाइम ऑलरेडी बचता है रिवीजन के लिए। तो चलो 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे अगर इस सेक्शन बी में भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास ऑलरेडी टाइम बचे हुए हैं। फिर हम सेक्शन सी की तरफ मूव ऑन करेंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 12 अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी होंगे इसमें, कई सारे जो इंटरनल चॉइस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे 3 से 4 इंटरनल चॉइस आपके होंगे। अब क्या करना है, ये 6 मिनट हमको टाइम देना है, क्यों, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट देने हैं। तो 6 मिनट × 12 = 72 मिनट्स, चलो 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे इसमें भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स का टाइम ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा है जो रिवीजन आप कर रहे थे। तो अगर 1-2 क्वेश्चन अगर फंसता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, समझ में नहीं आ रहा था, तो 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी आप दे सकते हो, बट कोशिश करो जहां तक हो सके कि 72 मिनट्स तक ही टाइम दे, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए, रिवीजन के लिए। फिर सेक्शन डी की तरफ आते हैं। सेक्शन डी 3 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप कहिएगा सर, 5, जब 2 नंबर का क्वेश्चन था 4 मिनट दिए, 3 नंबर का क्वेश्चन था 6 मिनट दिए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 10 मिनट देंगे? ऐसा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चंस है तो कहीं ना कहीं आपको 15 मिनट का टाइम दे देते हैं, कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम भी आ जाते हैं, तो हमने टाइम भी बचे हुए हैं, तो उसके अनुसार हम रणनीति बनाए हैं और एग्जीक्यूट वैसे ही हमें करना है। तो 15 मिनट आप दोगे लॉन्ग क्वेश्चंस में, 1 क्वेश्चंस पे, तो 3 क्वेश्चंस है 45, अगर टोटल आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो 150 मिनट्स, 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट आपका बायोलॉजी का पेपर कवर हो गया, पूरा कवर हो गया। अभी भी आपके पास 1/2 आवर टाइम बचा हुआ है, फिर क्या करना है, इस 1/2 आवर टाइम में आपको रिवीजन करनी है पेपर को,
और वैसे भी हाफ एन आवर में दो चार पांच मिनट दस मिनट इधर भी अगर कंज्यूम हो गया फिर भी 15-20 मिनट टाइम तो ऑलमोस्ट बच जाएगा। और जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो 10:15 से जो 10:30 के बिटवीन का 15 मिनट का टाइम है ना उसमें एमसीक्यू टिक कर लिया, ये 5 मिनट भी बच गया, जो 10:30 के बाद आप लगा रहे हो ये भी बच गया, और 2 नंबर के क्वेश्चंस भी रीड आउट कर लिए, तो समय थोड़ा बच गया। टाइम का यूटिलाइज करो, अगर आप टाइम का यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप 70 out of 70 स्कोर नहीं कर सकते हो। प्रीवियस ईयर लास्ट साल हमारे स्टूडेंट ने क्या किया, 99 स्कोर किया है कई बच्चों ने, तो बायोलॉजी में 100 भी स्कोर होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 100 स्कोर करना, मैथ्स में इजी हो जाता है, बट बायोलॉजी में 100 स्कोर करना एक मार्वेलस अचीवमेंट माना जाएगा। फिर भी कई बच्चों ने हमारे 98-99 स्कोर किए, उन सारे बच्चों को हमने सेम रणनीति बताई जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। और स्टूडेंट आई होप यू विल बी डेफिनेटली गॉट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, लेकिन आपको ये जो मैंने रणनीति बताई है इसको एग्जीक्यूट करना। कुछ और चीजें वो क्या है कि जैसे ही पेपर आप कवर करेंगे कंप्लीट कर लिए, जो टाइम बचता है उसमें क्या है, प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन होनी चाहिए। जैसे आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, डबल मार्क, ब्लू पेन से डबल लाइनिंग खींच दिए स्केल की मदद से, सेक्शन बी खत्म किए डबल लाइनिंग, सेक्शन सी किए डबल लाइन, शट डाउन कर देना है, और सेक्शन डी कवर करके डबल लाइनिंग कर देंगे। और एग्जाम में जाने से पहले 14 मार्च को सुबह घर से निकलने से पहले आप जितने भी स्टेशनरी के आइटम है, खासकर जो यूज होंगे, पेंसिल है, शॉर्पनर है, इरेजर है, स्केल्स है, ये रख ले, क्योंकि एग्जाम में कई बच्चे कहते हैं कि स्केल दे दो, पेंसिल दो, तो उस समय आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक दूसरे स्टूडेंट से मदद लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें करनी है, और डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए, और आई होप टीचर की विशेष आपके साथ है, आप अच्छा करो, भगवान से हम यही दुआ करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत सबसे बड़ी चीज है, आपकी मेहनत और आपकी रणनीति, रणनीति अगर इस रणनीति को आप फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे, और रिजल्ट ही सब कुछ है, ठीक है। फिलहाल आप बोर्ड के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो मेरी दुआएं आपके साथ है, अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।